हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि घर बैठे ही आप अपने मोबाइल से ही आप अपने प्लॉट को देख सकते हैं, वो भी 3D व्यूज में। कैसा है मेरा प्लॉट और कहां पर है, रोड के कितने नज़दीक है, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोग इस चैनल में न्यू आए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहला पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब हम किसी प्लॉट को ख़रीदना चाहते हैं या फिर किसी प्लॉट को देखना चाहते हैं तो हमें साइट पर जाना पड़ता है। तो क्या इस चीज़ को हम लोग घर बैठे ही अपने मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं? जी हाँ, आप लोग अपने मोबाइल से ही घर बैठे उस प्लॉट को देख सकते हैं। उस प्लॉट को ही नहीं, आप अपने ही एरिया में चाहे कहीं भी किसी भी प्लॉट को देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल से एकदम क्लियर 3D व्यूज़ में आप उस जगह को देख सकते हैं जहाँ पर आप बैठे हैं या पर जहाँ भी आपका प्लॉट है, वो प्लॉट अभी कैसा है, किस कंडीशन में है, ये सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल के थ्रू गूगल मैप से देख सकते हैं। और ये गूगल मैप हर एक मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड आता है ताकि आप लोग कहीं भी किसी भी जगह पर जाएं तो गूगल मैप के थ्रू उस जगह को देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि गूगल मैप का यूज किस लिए करते हैं। आज मैं आप लोगों को जिस पर्पस से गूगल मैप के बारे में बताने वाला हूँ वो चीज़ चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल के स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने जो लोकेशन है, आपको अपना लोकेशन को ऑन करना है। लोकेशन ऑन करने के बाद आपको गूगल मैप पे जाना है कि आपको गूगल मैप कहाँ पर है। मेरा गूगल मैप यहीं पर है। अगर आपका गूगल मैप अपडेट नहीं है तो आप अपने गूगल मैप को अपडेट कर लेंगे। उसमें होता है क्या कि आपका जो सर्चिंग रिजल्ट है वह बेटर आता है। तो चलिए मैं इस गूगल मैप को ओपन कर लेता हूँ। गूगल मैप को ओपन करने के बाद देख सकते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, चलिए दिखा देते हैं कि आपको जो ये वाला चीज़ दिखाई दे रहा है इसको टच करेंगे। ये लाइव लोकेशन को इंडिकेट करता है कि आप अभी किस जगह पे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं टच कर लेता हूँ। इसको टच करने के बाद देखिए मैं अभी जिस जगह पे हूँ वहाँ पर मुझे ये लेकर के आ गया कि मैं अभी लाइव यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो इस जगह पर मैं अभी यहाँ पर हूँ। तो चलिए और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूँगा, आपके मोबाइल पर अगर ये वाला ऑप्शंस है और ठीक है, तो इसको टच करना। इसको टच करने के बाद अगर आपके मैप टाइप में डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, इस तरह का, अगर आपके मैप टाइप में डिफ़ॉल्ट है इस तरह का दिखाई दे रहा है तो आपको सेटेलाइट वाला मोड जो है, सेटेलाइट वाला इसको सेलेक्ट करना है। सेटेलाइट वाला सेलेक्ट करने से क्या होता है कि आपको जो सेटेलाइट के थ्रू लोकेशन दिखाई देता है वो एकदम क्लियर दिखाई देता है। ठीक, तो जैसे कि आप अपने अगल बगल में कहीं भी किसी भी चीज़ का लोकेशन देखना चाहते हैं तो बस आपको कुछ करना नहीं है। आपको जहाँ भी देखना है वहाँ पर आपको टच करके रखना है, और जैसे टच करके रखेंगे ये लाल वाला लोकेशन आपके पास आ जाएगा। वो आने के बाद बस आपको ये चीज़ टच करना है कि इसमें जो आपको दिखाई देगा ना वो लाइव लोकेशन दिखाई देगा और कैसा वहाँ का पोजीशन है, किस तरह दिखता है, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको दिखाई देगा। तो चलिए इसको टच करते हैं। इसको टच करने के बाद देख सकते हैं थोड़ा सर्च करेगा, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो देख सकते हैं इसको 3D व्यूज में आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये खाली प्लॉट है, और इस खाली प्लॉट में सही में यहाँ पर खाली है और ये एक घर बना हुआ है। ठीक है, इस घर के बगल में जो प्लॉट हमको दिखाया गया था वो प्लॉट यहाँ है या नहीं है। ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट मार करके रख सकते हैं कि सेम प्लॉट मेरे पास है या नहीं। और इसके बाद यहाँ पर भी सब घर बना हुआ है तो देख सकते हैं इधर भी घर बन रहा है, और ये रोड है, रोड के बगल में जगह खाली है या नहीं है, वो सारे चीज़ आप अपने मोबाइल से अपने घर से ही देख सकते हैं। इस तरह से हम जैसे आपको दिखा रहे हैं बस आप उसी तरह अपने मोबाइल में करेंगे तो आपको वो सारे चीज़ दिखाई देने लगेगा। चलिए किसी और जगह पर हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, अब मान के चलो कि मैंने
धनबाद में किसी जगह पर प्लॉट को खरीदा है, तो धनबाद में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। धनबाद रेलवे स्टेशन के बगल में किसी ने हमको बताया कि वहाँ पर कोई प्लॉट खाली है, आप उसको जाके ले सकते हैं। तो मैं वहाँ पर अभी नहीं जा पा रहा हूँ, तो इसी वजह से यहीं से मैं देख सकता हूँ कि वहाँ का जो प्लॉट है वो खाली है या नहीं। तो बस आपको वहाँ का लोकेशन को सर्च करना है, और ये रेलवे स्टेशन आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, तो इसके थोड़ा अगल बगल में आ जाते हैं। यहाँ पर टच कर लेते हैं, इस जगह पर जहाँ पर मैंने टच किया उस जगह पर लोकेशन का चिन्ह आ गया, ठीक है। और उसको देखने के लिए इस फोटो को टच करेंगे, इसको टच करने के बाद इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे कि यहाँ पर जो हमको बताया गया था वो अभी लोकेशन में है या नहीं है। तो देख सकते हैं आपको ये जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के बगल में जो जितना भी प्लॉट यहाँ पर है, ठीक है, रेलवे स्टेशन में प्लॉट खाली है या नहीं है वो सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल से देखने को मिल जाएगा। चलिए किसी और जगह पर हम लोग टच करते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं, ठीक है, आप जिस भी प्लॉट को देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टच किया, अभी इस जगह को हम देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक बाउंड्री किया हुआ है, और ये है एक गली जैसा लग रहा है। यहाँ के आसपास घर बना हुआ है, यहाँ पर रूम है या नहीं है, ये एक बाउंड्री है। बाउंड्री के बगल में इस बाउंड्री ये खाली है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने लाइव लोकेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।